तो गाइज ये अब हम अपने डेस्कटॉप पे आ चुके हैं। यहाँ पे आपको कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। मैं यहाँ पे क्रोम यूज कर रहा हूँ। यहाँ से अब आपको थ्री डॉट्स पे क्लिक करके हिस्ट्री को क्लियर कर लेना है। थोड़ा वेट करना पड़ेगा, टाइम लगता है। न्यू टैब ओपन कर लेते हैं, क्लोज कर देते हैं। अब न्यू टैब ओपन करने के बाद हम न्यू टैब पे सर्च करेंगे फ्रीनॉम। कुछ इस टाइप की वेरिफिकेशन आ सकती है, तो ये आपने आई एग्री पे क्लिक कर देना। राइट साइड पे जो होगा चेंज टू इंग्लिश। देखें गाइस, सबसे टॉप पे जो वेबसाइट आ रही है ये फ्रीनॉम की वेबसाइट है। तो अभी हम पीसी के जरिए नहीं कर सकते, उसके लिए आपको वीपीएन परचेज करना पड़ेगा। और अगर आप फ्री वाला वीपीएन ऑन करते हैं तो उससे बहुत से एरर्स आ जाते हैं, फिर आपको बार बार स्टेप्स रिपीट करने पड़ते हैं। इस वजह से मैं आपको ये मोबाइल की स्क्रीन पे बताऊंगा कैसे करना है। कर लेते हैं इजीली वहां पे परचेज करके, बाकी जो स्टेप्स होंगे वो हम पीसी पे कर लेंगे। चलिए अब हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे चलते हैं। तो गाइस ये अब हम अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे आ चुके हैं। तो अब हम अपना 3x VPN ऑन कर लेते हैं। इस VPN का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप डायरेक्टली जाके डाउनलोड कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा VPN है। अपने प्रीवियस डोमेन्स भी मैंने इसी VPN को ऑन करके परचेज किए थे। परचेज तो नहीं कह सकते, लेमन पे क्लिक करेंगे। VPN थोड़ा टाइम लगेगा। देखिए नीचे आ रहा है कनेक्टिंग 58%, 75, 95। ये हमारा वीपीएन कनेक्ट हो गया है। कुछ आपको इस टाइप के एड्स आ सकते हैं, उनको आप कैंसिल कर दीजिएगा। फिर वीपीएन कनेक्ट हो चुका है हमारा, आप कॉर्नर पे देख सकते हैं वीपीएन लिखा आ रहा है। तो अब हम अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेते हैं। क्रोम ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ से हम अपना न्यू टैब ओपन करेंगे, ये न्यू टैब। अब यहाँ से हिस्ट्री को क्लियर कर लेते हैं। क्लियर ब्राउजिंग डाटा, क्लियर डाटा, क्लियर। ये हमारा ब्राउजिंग डाटा क्लियर हो चुका है। अब यहाँ पे हम सर्च करेंगे फ्रीनॉम। ये वाली सेकंड जो लिंक आ रहा है इस पे क्लिक कर देंगे। अब यहाँ पे लिखा आ रहा है फाइंड अ न्यू डोमेन, इस पे हम टाइप कर देंगे जो भी हम डोमेन लेना चाहते हैं। मैं एग्जांपल फॉर यू कर लेता हूँ। ये देखें अभी आ गए हैं, ये फ्री वाले डोमेन है। नीचे जो डोमेन आ रहे हैं ये वाले डोमेन, ये सारे आपको परचेज करने पड़ेंगे। मैंने जो डोमेन लिया था वो तो .ml वाला है, तो हम इसको अवेलेबिलिटी, ये देखें यार आ गया नॉट अवेलेबल। हमने इसको बेसिकली क्लियर करने के लिए वीडियो बनाई है। अगर आपको वीपीएन के बावजूद भी एरर आ रहा है तो आपको करना क्या है, अब आपको बैक चले जाना है, फिर दोबारा से वेबसाइट को ओपन करना है। लेकिन पहले आपने डोमेन देख लेना, आपको .gq वाला चाहिए, .ml वाला चाहिए। इस तरह ये लॉगिन का भी आपको आ सकता है, हमने लॉगिन नहीं करना, हम बैक चले जाते हैं। हमने अकाउंट क्रिएट करना है क्योंकि अभी हमारा अकाउंट क्रिएट नहीं हुआ हुआ। ये देखिए ये आ गया। यहाँ पे अब आप दोबारा डोमेन टाइप करेंगे और यहाँ पे एंड पे जो आपने डोमेन लेना है, .ml लेना है, .gq लेना है, .gw जो भी लेना चाहते हैं, उसके बाद आप चेक अवेलेबिलिटी पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद ये देखिए गाइस सिलेक्टेड आ चुका है, उसके बाद आप चेकआउट पे क्लिक कर दें। ये हमने चेकआउट पे क्लिक कर दिया, थोड़ा टाइम लगेगा, नेटवर्क स्लो है आ रहा है।
देखिए गाइस, वहां पे आपको टाइम पीरियड भी बताया है, 12 मंथ्स तक फ्री है, उसके बाद आपको पे करना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं, 12 मंथ्स तक, 1 मंथ से लेकर 12 मंथ तक फ्री है। तो हम 12 मंथ सेलेक्ट कर लेते हैं और कंटिन्यू पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पे यहाँ आ रहा है वेरीफाई योर ईमेल एड्रेस। यहाँ पे अपना ईमेल एड्रेस एंटर करेंगे। कोई भी आप फेक ईमेल बनाइएगा, अपना ओरिजिनल ईमेल मत एंटर करिएगा। पहले एक फेक ईमेल क्रिएट करिएगा, उसके बाद वो एंटर कर दीजिएगा फेक वाला। ओरिजिनल वाला भी आपने इसमें नहीं एंटर करना, और ना ही आपने उस जीमेल का पासवर्ड एंटर करना है। जीमेल एंटर करने के बाद वेरीफाई माई ईमेल एड्रेस पे क्लिक कर देंगे। ये देखिए, यहाँ आ चुका है वेरिफिकेशन सेंड टू द ईमेल। अपने मेल बॉक्स में जाके वहाँ से रिफ्रेश करते हैं। ये देखिए, हमें ईमेल वेरिफिकेशन आ चुका है। ये जो लिंक आ रहा है, इस लिंक पर क्लिक कर देंगे और ये हमें रिडायरेक्ट कर देगा क्रोम पे। ये देखिए, अब वो हमारी डिटेल्स मांग रहे हैं। तो आपने करना ये है कि आपको यहाँ पे अपनी ओरिजिनल डिटेल्स एंटर नहीं करनी, आपको फिर से क्रोम पे जाना है, न्यू टैब ओपन करना है और वहाँ पे सर्च करना है फेक यूएस एड्रेस जनरेटर। हमने सर्च कर दिया। इसके बाद जो सबसे टॉप पे वेबसाइट आ रही है वो आपको ओपन कर लेनी है। ये देखिए, यूएसए ऑलरेडी सिलेक्टेड है, जनरेट पे क्लिक कर देंगे। ये हमारा आ चुका है सारी इन्फॉर्मेशन। तो हम नेम को यहाँ से क्लिक करके कॉपी कर लेते हैं। ये नेम हमारा कॉपी हो गया। अब यहाँ पे हम आके रीलोड करेंगे और फिर पेस्ट कर देंगे। फर्स्ट नेम में आपने फर्स्ट नेम करना है, सेकंड नेम में आपको सेकंड नेम करना है, पर नेम कंबाइलिंग कॉपी होगा, इस वजह से आप उसे सेपरेट करके पेस्ट करिएगा। कंपनी नेम में आप नथिंग टाइप कर सकते हैं। हैव रीड द टर्म्स एंड एग्रीड और कंप्लीट ऑर्डर पे क्लिक कर देंगे। थोड़ा टाइम लगेगा लोड होने में, ये लोड हो चुका है। उसके बाद सेव पे क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे गाइस देख सकते हैं, ये एरर आ रहा है अटेंशन वाला। इस एरर को क्लियर करने के लिए हमने बेसिकली ये वीडियो बनाई थी। अगर आपको ये एरर आता है तो आपको करना ये है कि आपको अपने क्रोम में दोबारा से वापस जाना है, सारे स्टेप्स आपको रिपीट करने हैं, लेकिन एक स्टेप आपने चेंज करना है। वीपीएन ऑन करने के बाद, क्रोम में जाने के बाद हिस्ट्री क्लियर करनी है, उसके बाद आपको न्यू इनकॉग्निटो टैब ओपन करना है। उस इनकॉग्निटो टैब में जाके आपने सारे स्टेप्स रिपीट करने हैं। उसके बाद ये जो आपका एरर आ रहा है, ये एरर नहीं आएगा। मैं आपको एक दफ़ा ये डोमेन परचेज करके आपको दिखा भी देता हूँ कि ये देखिए, मैंने वहाँ पे किया है और ये एरर नहीं आ रहा। मैंने इनकॉग्निटो टैप पे, ये देखिए गाइस, ये मैं कर चुका हूँ और अब आप जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा, यहाँ पे कोई एरर नहीं आ रहा, जबकि पहले हमारा यहाँ पे एरर आ रहा था, अब यहाँ पे हमारा एरर नहीं आ रहा क्योंकि मैंने इनकॉग्निटो टैप पे जाके किया। चलें गाइस, अब हम दोबारा से अपनी पीसी की स्क्रीन पे चलते हैं। तो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं, हम अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पे आ चुके हैं दोबारा से। स्क्रीन पे आने के बाद हम सारे स्टेप्स को रिपीट करेंगे, सारा कुछ ऑलरेडी आप अगर उसे मिनिमाइज़ करेंगे तो सामने आ रहा होगा। फ्री नोम फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद वेब ओपन हो जाएगी। उसके बाद साइन इन पे क्लिक कर लेते हैं। रिमेम्बर मी, हम लॉग इन हो चुके हैं यहाँ पे, लेकिन हमारा वो सर्च बार नहीं आ रहा। तो यहाँ से हम सर्च बार हमें चाहिए भी नहीं, सर्विसेज पे क्लिक करने के बाद माय डोमेन पे चले जाएंगे। ये देख सकते हैं, हमारा डोमेन आ रहा है, इसका स्टेटस भी एक्टिव आ रहा है। ये देख सकते हैं, ये हमारा डोमेन है। उसके बाद न्यू टैब ना, यहाँ पे हम लॉगो ओपन कर लेते हैं। ये देख सकते हैं, ये हमारा पुराना पुराना ब्लॉगर आ रहा है, जो मैंने एग्जांपल आपको, ये देखिए हमारा न्यू ब्लॉग आ चुका है। इस पे आने के बाद आपको सेटिंग्स में आ जाना है, नीचे ब्लॉगर की सेटिंग्स पे। यहाँ पे फिर स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पब्लिशिंग में आने के बाद कस्टम डोमेन पे क्लिक कर देना है।
यहाँ पे आपको फ्रीनो पे जाना है और अपना डोमेन कॉपी कर लेना है वहाँ से। डोमेन कॉपी करने के बाद यहाँ पे आके पेस्ट कर देना है। ये पेस्ट करने के बाद आप सेव पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस टाइप का आ जाएगा, इससे आपने घबराना नहीं है। एंड पे आप ML और स्टार्टिंग में आपको www. एंटर कर देना है और उसके बाद सेव पे क्लिक करना है। ये देखिए सेव पे क्लिक कर दिया हमने, उसके बाद कुछ ऐसा आ जाएगा। ये गाइज एरर नहीं है, ये आपको DNS और अपने डोमेन का सी नेम एंटर करना है वहाँ फ्रीनो पे जाके। चलिए हम फ्रीनो में जाते हैं, मैनेज डोमेन पे क्लिक करेंगे, उसके बाद मैनेज फ्रीनोम DNS। ये देखें पहले से एक बार आ रहा है, आपको टोटल दो बार ओपन कर लेना है। यहाँ से सी नेम ब्रैकेट में नेम लिखा आ रहा होगा, सबसे पहले फर्स्ट नेम www, इनको आपने सी नेम पे कर देना है ये बार्स को। अब हम वहाँ से जाके कॉपी कर लेते हैं। ये सबसे फर्स्ट नेम आ रहा है सी नेम, आपने इसमें जो www लिखा आ रहा है सिर्फ उसको कॉपी करना है, कॉमा कॉपी नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे लाके पेस्ट कर देंगे यहाँ पे सी नेम से पहले। उसके बाद उसी नेम के आगे जो उन्होंने डेस्टिनेशन दी हुई है उसी डेस्टिनेशन को कॉपी करना है और इसके साथ ब्रैकेट नहीं आनी चाहिए। उसके बाद उसी सी नेम के आगे जो हमने पिछला नेम टाइप किया था उसके आगे वाली जो डेस्टिनेशन है वो वहीं फ्री नो पे जाने के बाद उसी के फ्रंट पे पेस्ट कर देंगे। ये देखिए www के आगे उसकी डेस्टिनेशन। अब यहाँ से नेक्स्ट नेम हम देख लेते हैं, ये हमने कॉपी कर लिया है। अब हमने कॉपी करना है इस वाले नेम को, इस नेम को नहीं है जो इसके आगे नेम लिखा है इसको कॉपी करेंगे। ये जो लेटर्स और नंबर्स का मिक्सचर आ रहा है इसको हम कॉपी कर लेंगे और वहाँ नीचे वाले टैब पे पेस्ट कर देंगे, नीचे वाले बार पे पेस्ट कर देंगे। कॉमा अगर इस तरह टाइप का आ जाए तो आप उसे बैक स्पेस कर दीजिएगा, कॉमा नहीं आना चाहिए। उसके बाद उसी के आगे जो उसकी डेस्टिनेशन है उसको वहाँ से कॉपी कर लेंगे, उस नेम के आगे वाली डेस्टिनेशन, और उसके आगे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद आपको चार और रिकॉर्ड्स ओपन कर लेना है, ये एक दो तीन और ये चार, चार रिकॉर्ड्स ओपन हो गए, इनको आपने बिल्कुल नहीं छेड़ना। उसके बाद ये नीचे आपको एक URL दिया होगा, इस URL पे आपको चले जाना है। यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, टैब में इस URL को एंटर कर देते हैं। ये देखिए ये URL आ चुका है। यहाँ पे ये आपको तीन एड्रेस दिए होंगे, IP एड्रेस, गूगल के IPs, इनको आपने बारी बारी कॉपी करके वहाँ पे एक एक करके पेस्ट करना है। फर्स्ट को कॉपी किया, यहाँ से जहाँ आपने डेस्टिनेशन एंटर की थी उसके बिल्कुल नीचे नीचे आपने करके कॉपी करना है, यानी कि जो आपके लिखा रहा है TTL 36000 उसके आगे आपने बारी बारी हर एक बार के अंदर एक एक डोमेन को उसके सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पेस्ट करते जाना है। देखें जैसा कि मैं पेस्ट कर रहा हूँ, ये देखें ये सारे हमने पेस्ट कर दिए हैं। उसके बाद ये देखें जैसा कि मैंने आपको बताया, ये आपने आगे करके पेस्ट करने हैं। उसके बाद सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है, चेंजेस सेव हो रहे हैं, थोड़ा टाइम लगेगा। ये देखिए रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली, रिकॉर्ड एडिट सक्सेसफुली, यानी हमारे सारे रिकॉर्ड जो थे वो ऐड हो चुके हैं सक्सेसफुली। तो बैक टू डोमेन डिटेल्स पे चले जाते हैं अब हम। उसके बाद आपको अपने ब्लॉगर में आ जाना है। उसके बाद गाइज अगर आप अभी सेव पे क्लिक करेंगे तो कुछ नहीं होगा, इस वजह से आपको 5 to 10 मिनट्स वेट करना होगा। मैं ये आप टाइम देख लीजिए, मैं 5 to 10 मिनट्स बाद दोबारा से वीडियो अभी मैं पॉज कर रहा हूँ, इसके बाद मैं दोबारा रिज्यूम करूँगा और आपको दिखाते हैं। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं 10 मिनट्स वेट करने के बाद दोबारा से यहाँ पे आ चुका हूँ और अब हम सेव पे क्लिक कर देंगे। सेविंग सेटिंग्स, ये देखिए सेटिंग्स अपडेटेड। इसके बाद आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे लिखा आ रहा है रीडायरेक्ट डोमेन, इसको आपने अलाउ कर देना है। इसको अलाउ करने की वजह से आपका जो ब्लॉगर होगा वो आपको उसी डोमेन पे रीडायरेक्ट कर देगा, .blogspot.com वाला डोमेन नहीं आएगा, .ml वाले डोमेन पे करेगा। ये देखिए ये एरर आ रहा है, इस एरर को भी क्लियर करने का मैं आपको बता दूँ इसको क्लियर कैसे करना है।
आपको दोबारा से अपने ब्लॉगर में चले जाना है। ब्लॉगर में जाने के बाद नीचे आपको ऑप्शन आ रही है HTTPS, इसको आपने अलाउ कर देना है। उसके बाद ऑटो अलाउ हो जाएगा HTTPS रिडायरेक्ट। उसके बाद अभी अगर आप व्यू ब्लॉग पे क्लिक करके करेंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, इस तरह का आएगा दिस साइट कैन नॉट बी रीच। तो आपको इसके लिए भी 5 to 10 minutes वेट करना होगा, उसके बाद आप अपनी वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं। तो गाइज आप देख सकते हैं, 5 to 10 minutes वेट करने के बाद हम अपने ब्लॉगर पे वापस आ चुके हैं। तो अब यहाँ आने के बाद हम व्यू ब्लॉग पे क्लिक करेंगे। ये देखिए गाइज हमारा ब्लॉगर आ चुका है, हमारी पोस्ट भी आ रही है जो हमने कर दी थी। गाइज अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और अगर आप स्पाइडरमैन नो वे होम HD में देखना चाहते हैं तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा अपनी वेबसाइट का, आप वहां से जाके HD में देख सकते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।